बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये हजारों लोगों का जरिया मुआश और डेली की जो एक्टिविटीज है और डेली का जो एक सरगर्मियां है, मुआशी तौर पर, कारोबारी तौर पर या फिर इंटरनेशनली जो लेन देन है वो बहुत बड़ी लेवल का है। इससे जो हजारों लोग, बल्कि मैं कहूँगा लाखों की तादाद में लोग हैं जो मुंसलिक हैं इस जगह से, और इस जगह पर मैं आज मौजूद हूँ जिसका नाम है पोर्ट कासिम। और पोर्ट कासिम वाक़े है कराची में, और ये पोर्ट कासिम जो है इसकी डिटेल्स क्या है और किस तरह से एक्टिविटीज चलती हैं, यहाँ पे क्या रोजमर्रा की चीजें होती हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट मालूमात है आज के ब्लॉग में। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस वक्त पोर्ट कासिम की अफादियत और अहमियत और फॉल किस तरीके से कैसे काम कर रहा है और इसकी कैपेसिटी क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपको आज बताएंगे। मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर नजर आ रहे होंगे आपको, तो ये भी एक मतलब इसके बीच में एक व्लॉग हम बनाएंगे जिसकी डिटेल हम आगे जाके आपको बताते हैं। जुड़े रहिएगा एंड तक। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो हाइलाइट्स के साथ आ गए हैं हम अपने व्लॉग में। पोर्ट कासिम जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनको तो बखूबी अंदाजा होगा कि कहाँ पर वाकई है। नेशनल हाईवे है जो कि कराची से ठट्टा जो डोल ड्यूल कॉरिडोर जाता है, कायदाबाद के बाद एक बहुत बड़ा एक टर्न है जो कि पोर्ट कासिम एक ऐसी बड़ी दुनिया है, अपने आप में ऐसी दुनिया है जहाँ पे दिन रात मुसलसल जो है सरगर्मियाँ चलती रहती हैं, एक्टिविटीज चलती रहती हैं, कारोबारी लेन देन चलता रहता है, ना बंद होने वाला सिलसिला जो है वो चलता रहता है पोर्ट कासिम। जनाब मैं आपको बताता चलूं कि पोर्ट कासिम जो है 1973 में कायम हुआ और 1980 में जो है ये ऑपरेशनल हुआ, और ऑपरेशनल होते ही इसने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया अपनी मुल्की मईशत में। और पोर्ट, आपको पता है कि पोर्ट किसी भी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की मीनिंग रखता है, कोई भी पोर्ट हो। एक्टिवली जो है ना ये इस वक्त ऑपरेशनल है और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 52% जो है हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कैरी आउट करता है। 89 मिलियन तक का जो है कुछ टन में जो है डेली बेसिस पर अगर हम इसको कहें तो ये एक एक्टिविटी होती रहती है इस तरह की, जिसमें 89 मिलियन टन जो है वो कैरी करता है ये पोर्ट बयक वक्त। अच्छा तो आगे चलते हैं, कुछ हिस्ट्रिकली चीज़ें बताते हैं आपको। उसमें से एक ये चीज़ है कि भुट्टो के एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि ये भुट्टो साहब ने जो ना इसे पेश किया था 1973 में, और जो कि आगे चल के 1980 में जो है ऑपरेशनल हुआ और उसके बाद ये आज भी मौजूद है। मेरे बैकग्राउंड पे देखें, आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी ये कंटेनर ही कंटेनर है। हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे, कुछ आपको जो है फैंटास्टिक वाले विजुअल्स दिखाएंगे जो कि आपने कभी भी ना देखे हो। तो कुछ चलते हैं विजुअल्स की तरफ और डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। जनाब आज हमने कवर किया पोर्ट कासिम को, मैक्सिमम लेवल की डिटेल्स और आपको इन्फॉर्मेशन दी हमने। मज़ीद एक और व्लॉग बनाएंगे पोर्ट कासिम के पे और वो होगा इंटरनली पोर्ट के बिल्कुल करीब। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने किसी भी बिज़नेस की वीडियो बनवाने के लिए, व्लॉग कवरेज बनाने के लिए हमसे रब्ता करें फॉर सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।